देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे फिब्रेट्स कैटेगरी ऑफ ड्रग की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिब्रेट्स कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक, वो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि वो पराक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा इससे बाइंड होती है। और जब ये इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है फिब्रेट कैटेगरी की ड्रग, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है। ये बेसिकली न्यूक्लियस के मीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करके अपना एक्शन देता है। ट्रांसक्रिप्शन कैसे प्रमोट करता है कि जो PPAR अल्फा डिपेंडेंट क्या है, जीन है, उन जीन्स को बेसिकली एक्टिवेट करता है। और वो जीन्स ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि ये PPAR अल्फा एक्टिवेटेड जो जीन्स होंगे वो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म करेंगे लाइपोप्रोटीन्स में बेसिकली, कि वो जेनेटिक लेवल में इस तरह से वर्क करेंगे कि आपके लिए जो फायदेमंद है आप उसको इंक्रीज कर दीजिए, राइट। जैसे एलडीएल को आप बढ़ाना नहीं चाहते तो आप ये बोल दीजिए कि ये वाले जीन एलडीएल के लेवल को क्या करते हैं, कम करते हैं। आप एचडीएल को बढ़ाना चाहते हो, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, आप ये बोलिए कि ये जीन एचडीएल को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। आप ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, बोलिए ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। और बेसिकली ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ये जीन कम करते हैं बाय डिक्रीजिंग द VLDL। और ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम होता है, जो कि फैटी एसिड मतलब फैट को ब्रेक डाउन करता है, उसको बेसिकली ये और ज्यादा इंड्यूस करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल और स्मॉल सी एक इसकी मैकेनिज्म है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जा सकती है। तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फिब्रेट्स कैटेगरी के ड्रग है, जैसे हमने स्टैटिन्स में पढ़ा था, जो कि बेसिकली सेकेंड टाइप में मोस्टली यूज होती थी स्टैटिन्स हमारी, ये जो फिब्रेट्स कैटेगरी के ड्रग है ये टाइप थर्ड एंड टाइप फोर हाइपरलिपिडेमिया में यूज होती है। तो किस टाइप में यूज होती है और क्या इनकी स्मॉल मैकेनिज्म है, आपके एग्जामिनेशन में इनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है। और आपको ये लिखना होगा कि किस टाइप ऑफ हाइपरलिपिडेमिया में यूज होती है। हाइपरलिपिडेमिया कितने टाइप्स की होती है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द यूज ऑफ फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच।